स्वागत है आपका फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अजय कुमार तिवारी, आज क्लास 9th को फिजिक्स में तीसरा लेसन जो है गुरुत्वाकर्षण, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले देखते हैं गुरुत्वाकर्षण कि क्या है गुरुत्वाकर्षण। इसके पहले के चैप्टर में हम लोगों ने बल तथा गति के नियमों को पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण कि क्या है गुरुत्वाकर्षण। देखिए, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक दो पिंड एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इस लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे दो पिंडों के बीच, ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। आइए देखते हैं अब अपने अगले टॉपिक में, वो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, जिसको हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण बल का किन किन बातों के या किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको बताया न्यूटन ने, इसलिए इसको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है ये नियम। इस नियम के अनुसार दो पदार्थिक कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो कण हो और उनके द्रव्यमान हो तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब जो कण होंगे उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, किसके? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखते हैं, जैसे ये M1 और M2 दो कण है, ये दो कण है जिनके द्रव्यमान क्या है? M1 और M2 तथा इनके बीच की दूरी क्या है? R है। ये R है तो R मीटर इनके बीच की दूरी है, और M1 M2 मतलब इनका मात्रक होगा किलोग्राम, तो M1 M2 किलोग्राम द्रव्यमान के दो कण है। तो अब इनके बीच, चूंकि दो कण है तो इनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करेगा जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो अब देखेंगे वो क्या है, कैसे किस पर निर्भर कर रहा है। यदि M1 M2 द्रव्यमान के कणों के बीच की दूरी r है तब आकर्षण बल किस पर निर्भर करेगा? कण लगने वाले आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो जो बल होगा आकर्षण बल कण के द्रव्यमान, क्या है द्रव्यमान? M1 और M2, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो हम लोग लिख रहे हैं एपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 और M2, क्योंकि आप अभी हम लोग यहां देख रहे हैं कि जो बल लगेगा उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी कितनी है? आर। तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि जो दूरी होगी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब दोनों को एक साथ लिखते हैं तो मिलता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाते हैं तो लिखते हैं एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। जी की बात करते हैं, जी जहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ध्यान देने वाली बात है, एक होगा इस चैप्टर में स्मॉल जी और एक होगा कैपिटल जी। तो कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। चूंकि ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है अतः इसका मान सब जगह क्या होगा? समान होगा। अगले टॉपिक पे जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की परिभाषा और मात्रक। इससे पहले मैंने आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के बारे में बताया, जो हम लोगों को गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम में मिला। अब क्या होगा उसकी परिभाषा और उसका मात्रक क्या होगा इसको देखते हैं। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर लिखते हैं जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम वन एम टू पिंडों के द्रव्यमान है और आर उनके बीच की दूरी। एफ की बात करें तो एफ लगने वाला आकर्षण बल। यदि M1 M2 बराबर एक एक किलोग्राम, मतलब जो दो पिंड थे आपके पास M1 M2, ये एक 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 किलोग्राम और एक किलोग्राम के हों, एकांक द्रव्यमान के हों, तथा R बराबर 1 मीटर, मतलब इनके बीच की दूरी R बराबर कितना है? 1 मीटर। कह रहा है कि यदि पिंडों के द्रव्यमान M1 M2 एक एक किलोग्राम हो और R बराबर 1 मीटर हो तो
क्या मिलेगा, एम वन एम टू की जगह हम वन रखेंगे और आर की जगह वन रखेंगे, तो वन का स्क्वायर वन, तो क्या मिलेगा, एफ बराबर जी या जी बराबर एफ। मतलब यदि पिंडों के एकांक द्रव्यमान के पिंड रखे और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो लगने वाला आकर्षण बल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के क्या होगा, बराबर। इसी को परिभाषा में हम लोग लिखते हैं, अतः गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब जी परिमाण में उस आकर्षण बल के बराबर होता है, परिमाण में उस आकर्षण बल के क्या होगा, बराबर होगा जो एकांक दूरी में रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है। इसका मान, इसके मान की बात करें, इसका मान 6.67 × 10⁻¹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 
अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मात्रक है। कैसे इसका मात्रक आया, आइए देखते हैं उसको भी, कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर कैसे होता है। तो यहां से लगने वाला आकर्षण बल F बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ कुछ थोड़ा सा तिरकगुड़ा करें तो हम लिख सकते हैं जी एम वन एम टू बराबर एफ आर स्क्वायर। गुणा कर दिया, इस एम वन एम टू को भी इधर भेज दे तो जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू ये मिल गया। हम लिख सकते हैं यहां से जी का मात्रक बराबर एफ का मात्रक गुणे आर के मात्रक का क्या है स्क्वायर। आर के मात्रक का क्या होगा स्क्वायर बटे एम वन एम टू, दो द्रव्यमान है तो हम लिख सकते हैं द्रव्यमान का मात्रक का क्या होगा स्क्वायर। एफ एफ लगने वाला क्या है बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, आर बीच की दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो हम क्या स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे स्क्वायर। ये किसका मात्रक मिला, जी का मात्रक मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। मान कितना होता है इसका, अभी जस्ट वैसे बताया मैंने 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये रहा हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के बारे में। देखते हैं अपने अगले टॉपिक में है जो गुरुत्व या गुरुत्व बल है एक तरह से। जैसे न्यूटन ने बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसी बल में है एक गुरुत्व बल, वो देखते हैं। न्यूटन के अनुसार जैसा मैंने अभी बताया संसार की प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। संसार की प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच क्या करता है, या दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इन दो वस्तुओं में, जो दो वस्तुएं हैं, यदि इन दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो, जैसे दो वस्तु हैं आपके पास उसमें एक वस्तु पृथ्वी हो, तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर, दो वस्तुएं हैं और दो वस्तुओं में से एक वस्तु क्या हो पृथ्वी हो, तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं गुरुत्व बल। लेकिन कब, जब दो पिंडों में या जो दो वस्तुओं में एक वस्तु कौन हो पृथ्वी हो, तब इस लगने वाले आकर्षण बल को ही हम क्या करते हैं एक तरह से गुरुत्व बल कहते हैं। अगला है गुरुत्वीय त्वरण। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, किसी पिंड पर, कोई भी पिंड है, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को, किसी पिंड पर अगर कोई गुरुत्व बल के कारण बल लग रहा है तो उसके कारण उसमें उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उस त्वरण को क्या कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसे स्मॉल जी, यहां ध्यान दीजिएगा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल जी, जहां स्मॉल जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण है और कैपिटल जी क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, दोनों में डिफरेंस है, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, चूंकि ये त्वरण है और इससे पहले मैंने अध्याय एक में बताया था त्वरण का मात्रक, तो इसका मात्रक भी क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसका त्वरण का मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहां पर आपने अभी तक दो चीजें पढ़ा, एक कैपिटल जी और एक स्मॉल जी।
कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण। आइए देखते हैं अब अपने अगले टॉपिक में जो है गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध। इससे पहले के वीडियो में भी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था गुरुत्वीय त्वरण क्या है कि जो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लगता है, अगर उनमें एक वस्तु पृथ्वी है तो इसके द्वारा लगाए गए बल को ही गुरुत्व बल कहते हैं और इस बल के कारण वस्तु के वेग में जो वृद्धि होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। तो इस तरह से हमको देखना है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। यहाँ कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो देखते हैं कि क्या इसके बीच में संबंध है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME कहने का मतलब मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, जहां भी पृथ्वी के एम से मास और इसे अर्थ, तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME तथा त्रिज्या RE है जो यहाँ पर है। ये देखिए आपके लिए पृथ्वी जिसका द्रव्यमान ME और इसकी त्रिज्या कितनी है RE, ये इसकी त्रिज्या है। RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो पृथ्वी की त्रिज्या RE है। माना M द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी के तल के निकट रखी है, ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है स्मॉल m, और ये पृथ्वी के सतह पर रखी गई है, मतलब इनके बीच पृथ्वी के सतह और वस्तु के बीच की दूरी बहुत कम है, अतः इसके केंद्र की इसकी त्रिज्या की दूरी ही वस्तु के दूरी के दो वस्तुओं के बीच की दूरी के बराबर होगी। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही बताता है कि दो वस्तुओं के बीच सदैव एक बल आकर्षण बल कार्य करता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो आपके पास देखिए दो वस्तु, एक अर्थ है जिसका द्रव्यमान ME और इसके सतह पर एक दूसरी वस्तु रखी गई है जिसका द्रव्यमान M, तो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लगता है और इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर G m1 m2 अपॉन R2, जहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, m1 पहली वस्तु का द्रव्यमान, m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान और r दोनों के बीच की दूरी है। यहां पर हमारा द्रव्यमान देखिए m1 पृथ्वी का द्रव्यमान, तो m1 की जगह क्या होगा ME, जिसको लिखा हमने F बराबर G, m1 की जगह पे क्या लिखा ME, m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान जो है m, तो हमने लिखा इसको m, और r दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यहां से देखिए पृथ्वी के सतह और वस्तु के बीच की दूरी बहुत कम है, अतः इनके बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के दूरी के क्या होगी बराबर होगी, तो क्या होगी दूरी इन दोनों के बीच के बीच RE, तो हमने क्या लिखा RE2। ये रहा हमारा समीकरण ए। तो क्या मिला, दो इस वस्तु पर लगने वाला जो आकर्षण बल है F बराबर GmEm अपॉन R2, जहां देखते प्रयुक्त पद F लगने वाला बल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G है, ME पृथ्वी का द्रव्यमान, M वस्तु का द्रव्यमान और RE पृथ्वी की त्रिज्या है, एक समीकरण एक। इस बल के कारण, बल F के कारण गुरुत्व त्वरण G प्राप्त होता है क्योंकि वस्तु उसी के त्वरण के अंतर्गत गति करेगी, तो हम लिखते हैं F बराबर mg, समीकरण दो। दोनों समीकरण में F का मान है, अतः हम इनको तुलना करेंगे तो समीकरण एक और दो से, तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण एक कहेगा क्या आपका GME अपॉन R2 और समीकरण दो क्या है mg, तो इधर भी m और इधर भी स्मॉल m, तो दोनों कट गया, तो G बराबर क्या मिला GME अपॉन R2, मतलब गुरुत्वीय त्वरण G बराबर स्मॉल G बराबर कैपिटल G ME पृथ्वी का द्रव्यमान बटे RE2। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, ये रहा संबंध हमारा गुरुत्वीय त्वरण तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध, मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें स्मॉल एम नहीं है, स्मॉल एम क्या है नहीं है, अतः किसी वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण जी है वो इस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये रहा हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध। देखते हैं आप अपने अगले टॉपिक पे है जो है मुक्त पतन, कि मुक्त पतन क्या है इसकी परिभाषा। जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर, मतलब कोई वस्तु है जो गति कर रही है पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था आपको कि गुरुत्वीय बल क्या है, गुरुत्वीय बल जब दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लगे और उनमें एक वस्तु क्या हो पृथ्वी हो, तो उसके द्वारा जो आकर्षण बल लगता है उसी को क्या कहते हैं गुरुत्वीय बल। तो जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं तो हम कह सकते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं, मतलब वस्तुओं की गति केवल पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण हो, तो हम क्या कह सकते हैं वस्तुएं मुक्त पतन में है। इस प्रकार के गति में या इस पर मुक्त पतन में वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता।
फिर अगला है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, मतलब पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति का क्या परिवर्तन होगा। पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, पृथ्वी के सतह पर लगभग में जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण, जितने भी गति के समीकरण है, गति के कितने समीकरण, गति के 3 समीकरण, त्वरण एक के स्थान पर जी रखने पर मान्य होंगे। जहां पर वहां पर त्वरण ए था, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, क्योंकि गुरुत्वीय बल के कारण ही त्वरण उत्पन्न होगा, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे और उसको हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो त्वरण जहां ए आएगा वहां पर हम क्या रखेंगे, जी। गति के समीकरण को देखते हैं, गति के 3 समीकरण, पहला v बराबर u प्लस at, तो इसको जब हम गुरुत्वीय त्वरण के पद में लिखेंगे तो हमें मिलेगा v बराबर u प्लस gt, ये हमारा पहला, क्योंकि a की जगह पर हम क्या रखेंगे, g। दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको लिखें s बराबर, लिखे तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण, यहां भी हम a की जगह पर जी रख दिए। और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको लिखे तो क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है इस g के बारे में, जब वस्तुओं की गति त्वरण की ही दिशा में होती है, जब वस्तुओं की गति क्या हो, त्वरण की ही दिशा में, तो g का मान धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे, कब, जब वस्तुओं की गति त्वरण की ही दिशा में हो, और इसके विपरीत जब वस्तुओं की गति त्वरण के विपरीत दिशा में हो, मतलब त्वरण उस वस्तुओं के गति के विपरीत दिशा में कार्य करें, तो जी का मान माइनस लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तब इसके सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति।